हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे पांच स्टॉक्स को कवर करने वाले हैं, ऐसी पांच कंपनियों को कवर करने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने दोस्तों Q2 के नंबर में काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। मार्केट को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी इन पाँचों कंपनियों से कि काफ़ी बढ़िया नंबर शो करेगी, एक्सपेक्टेशन भी बहुत अच्छा रखा गया था, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी इनके पांचों के तरफ से हमें नहीं देखने को मिला है। मतलब हमें यहाँ पर गिरावट का खतरा देखने को इनसे मिल सकता है, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी कंपनियों को देखेंगे और इन सभी कंपनियों का मार्केट में काफ़ी बड़ा नाम भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले मार्केट को देख लेते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट काफ़ी तगड़ी तरीके से बंद हुआ है, एक अच्छी खासी रिकवरी करके 18,117 पर। मार्केट 18,000 के ऊपर है तब तक एक अच्छा खासा कंफर्टेबल जोन बना के रखा है। मार्केट अगर 18,000 का लेवल नीचे के साइड में ब्रेक करेगा तो उसमें जो प्रेशर है वो हमें बढ़ते देखने को मिलेगा। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कल भी यही हुआ, 18,017.15 का दोस्तों लो लगाया, मतलब यहाँ से, और एक अच्छी खासी रिकवरी दोस्तों इसने दिखाई। और दोस्तों जब तक ये इसके ऊपर है काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाएगा, और आगे जैसा भी अपडेट आएगा मार्केट के रिलेटेड हम डेफिनेटली आपको कवर करेंगे। तो फटाफट से दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं और सबसे फर्स्ट कंपनी को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट कंपनी है, उसका जो शेयर का प्राइस है वो है 1800 रुपये का। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर मैं बात करता हूँ तो प्रीवियस क्लोज था 1803.20, ये ओपन होता है 1809 रुपये, हाई लगाता है 1817 और लो लगाता है 1790। 69,000 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। PE रेशो और डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। 52 बिक का हाई देखिए, 52 बिक का लो देखिए। लास्ट एक साल में इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने परेशान किया है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन, कोरोना सब इसको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशान करके गए हैं। 5 साल का अगर मैं परफॉर्मेंस दिखाता हूँ तो 5 साल में तो एक अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। ओवरऑल का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, ओवरऑल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर देखें तो ये कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान मार्केट में हुई है। तो हम किस कंपनी की बात करें, हम बात करें दोस्तों इंडिगो एविएशन पे, जिसे हम इंटरग्लोब एविएशन के नाम से जानते हैं और इंडिगो के नाम से भी जानते हैं। एयरलाइन सेगमेंट में दोस्तों कंपनी काम करती है, और आपको तो पता ही है कि एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो महंगाई के चलते, कोरोना के चलते कैसी परेशान हुई थी, जिसके कारण कंपनी का Q2 नंबर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, और इसके कारण इसका जो EPS है उसमें काफ़ी तगड़ी हमें गिरावट देखने को मिली। Q4 देखिए, Q1 देखिए और Q3 देखिए, ठीक है, सब में दोस्तों काफ़ी गिरावट हमें देखने को वहाँ पर मिली है। तो दोस्तों शायद हो सकता है कि मार्केट इसकी पिटाई भी कर दे। अब इसके रिलेटेड आगे जैसा भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए सेकंड कंपनी देखते हैं। दोस्तों सेकंड कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो है 464.70, इसका प्रीवियस क्लोज था 464.05, स्टॉक ओपन होता है 466.35, ये हाई लगाता है 472 का और लो लगाता है 458 का। ये एक माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिलती है, 700 करोड़ का मार्केट कैप है, PE रेशो भी बहुत बढ़िया है, उसके साथ ही 52 बिक का हाई, 52 बिक का लो देख सकते हैं। लास्ट एक महीने के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले से ही प्रेशर है, ठीक है, एक साल की मैं बात करता हूँ, एक साल में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 5 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 साल में तो एक अच्छी खासी मूवमेंट है। ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ तो ओवरऑल में भी एक अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और काफ़ी बड़े ग्रुप से ये कंपनी मार्केट में बिलोंग करती है। तो हम किस कंपनी की बात करें, हम बात करें दोस्तों जुबिलेंट इंडस्ट्री। जुबिलेंट फूड वाली जो इंडस्ट्री है, ठीक है, जो ग्रुप है वो ये कंपनी का ही ग्रुप है, और काफ़ी ख़राब इस कंपनी ने भी अपने Q2 के नंबर हमें दिखाए हैं। जैसे कि आप देखिए Q1 में तो काफ़ी बढ़िया था, लेकिन दोस्तों Q1 को भी कंपेयर करेंगे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपेयर करेंगे तब भी दोस्तों इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस हमें डाउन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस कंपनी की भी दोस्तों मार्केट में पिटाई होते हमें देखने को मिल सकती है, तो ज़रूर आप इसके ऊपर भी फोकस बना के चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी का जो प्राइस है शेयर का वो है 2498 रुपये के आसपास। करीबन 1.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ है। इसका प्रीवियस क्लोज था 2463.55, ये स्टॉक ओपन होता है 2478, हाई लगाता है 2500 और लो लगाता है 2410 रुपये का। 5,500 करोड़ की ये कंपनी देखने को मिलती है। PE रेशो बढ़िया है, डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया है, साथ में 52 बिक का हाई, 52 बिक का लो देख सकते हैं,
और ये कंपनी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है मार्केट में आए हुए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम किस कंपनी की बात करें, हम बात करें दोस्तों तत्व चिंतन फार्मा लिमिटेड। फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करती है कंपनी, जो कि अभी हाल फिलहाल में मार्केट में आई है और Q2 के नंबर में दोस्तों काफ़ी ख़राब प्रदर्शन इसने किया है। अब देखिए Q1 का नंबर भी दोस्तों इसका काफ़ी बेकार था और सेम अकॉर्डिंग Q2 का नंबर भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो इसकी भी दोस्तों मार्केट काफ़ी तगड़ी तरीके से पिटाई कर सकता है, तो ज़रूर आप इसको भी अपनी फोकस में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपनी को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो है 88.90 रुपये। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में दोस्तों 0.25% की गिरावट देखने को मिली। इसका प्रीवियस क्लोज था 90.55 रुपये, स्टॉक ओपन होता है 91 रुपये, हाई लगा था 91.35 रुपये और लो लगा था 88.10 रुपये। 58,000 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। पी अर्निंग रेशियो भी बहुत बढ़िया है और डिविडेंड डील भी बहुत खतरनाक है। साथ में 52 बिक का हाई देखिए, 52 बिक का लो देखिए। लास्ट एक साल का परफॉर्मेंस अगर मैं इसका दिखाता हूँ आपको, काफ़ी प्रेशर भरा देखने को मिल रहा है। 5 साल की अगर मैं बात करता हूँ, 5 साल में भी काफ़ी प्रेशर भरा परफॉर्मेंस है। ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ तो ओवरऑल में दोस्तों 1000% तक का तेज़ी देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों एक हमें गवर्नमेंट कंपनी देखने को मिलती है और गवर्नमेंट कंपनी दोस्तों रिटर्न तो मार्केट में बहुत कम देखती है, लेकिन डिविडेंड तो बहुत भर भर के देती है। क्योंकि आप देख सकते हैं डिविडेंड का जो यील्ड है वो 4.25% का है, ठीक है। और ये कंपनी का नाम है दोस्तों गेल इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी का तो आपको परफॉर्मेंस पता ही रहता कैसा देखने को मिल रहा है, आप यहीं पर देख के समझ जाओ। कंपनी अच्छा खासा ट्रेड कर रही थी, जैसे Q2 का नंबर पब्लिश हुआ धड़ाम से काफ़ी बड़ी पिटाई हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि Q2 में दोस्तों अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था लेकिन फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप इसको भी अपनी रेडार पर रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपनी को देखते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी भी काफ़ी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है और इस कंपनी का भी काफ़ी बड़ा नाम हमें मार्केट में देखने को मिलता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए जैसे Q2 का नंबर पब्लिश हुआ वैसे स्टॉक में धड़ाम से इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, ठीक है। 330.65 रुपये पर क्लोज हुआ, प्रीवियस क्लोज था 352.40 रुपये, ठीक है। ये ओपन होता है 354, हाई लगाता है 355.90 रुपये और लो लगाता है 325 रुपये के आसपास। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 31,000 करोड़ का। पी अर्निंग रेशो काफ़ी ज़्यादा है और 52 बिक का हाई देखिए, ठीक है। 52 बिक का हाई मतलब दोस्तों अभी हाल फिलहाल के हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट 5 दिन में आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है। 1 महीने में भी यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। ओवरऑल का परफॉर्मेंस अगर मैं इस कंपनी का आपको दिखाता हूँ, कंपनी मार्केट में काफ़ी बढ़िया देखने को हमें मिलती है। तो कंपनी का नाम है दोस्तों आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। काफ़ी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री को भी ये कैप्चर कर रही है, रिटेल कैटेगरी को, ठीक है, और फैशन कैटेगरी को। दोनों में क्या कर रही है दोस्तों, काफ़ी बड़ा मार्केट में कॉम्पिटिशन दे रही है। लेकिन Q2 का नंबर दोस्तों अच्छा नहीं शो किया है, तो डेफिनेटली दोस्तों इसकी पिटाई तो ओपन मार्केट में हो गई थी। हो सकता है कि मंडे को भी हमें इसकी पिटाई होते देखने को मिले, तो ज़रूर आप इस कंपनी को भी अपनी फोकस में रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों 5 कंपनियों का भंडार, ठीक है, जिसमें काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप इन सभी कंपनियों को अपनी फोकस में रखकर चल सकते हैं। आगे इनके रिलेटेड जैसा भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।